हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं मंजू और आप देख रहे हैं मंजू की बगिया। फ्रेंड्स, ये अप्रैल का मंथ है और इस अप्रैल में अब हमारे रजनीगंधा थोड़े से ग्रो होने लगे हैं। इनके नए नए प्लांट निकल रहे हैं। जब मैंने इन्हें नए सिरे से लगाया था तो इनके बल्ब थे छोटे छोटे और उन्हीं को मैंने लगाया हुआ था। अभी इनकी क्या ग्रोथ हो रही है ये मैं इस वीडियो में आप सभी से शेयर कर रही हूँ। इस समय इनके लिए क्या करना चाहिए ये भी मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। जो मैं करती हूँ वही मैं बताती हूँ और मेरा अपना एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि मुझे आज गार्डनिंग करते हुए 5-6 साल हो गए हैं और इस 5-6 सालों के दौरान मैंने बहुत कुछ सीखा और जो मैंने सीखा वही मैं आप लोगों से शेयर भी कर रही हूँ। तो यही है हमारी आज की इस वीडियो में। अगर आपने रजनीगंधा लगाए हैं तो इस तरह से अगर वो बड़े हो रहे हैं, उनके नए शूट्स निकल रहे हैं, तो उनके साथ क्या करना चाहिए जिससे कि इनकी ग्रोथ अच्छी हो और ये आपके गार्डन में हरे भरे बने रहें, साथ ही साथ आने वाले समय में इसमें फ्लावरिंग होती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप हमारी वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि हमारी आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो यहाँ पर देखें तो रजनीगंधा लगे हुए हैं और इनकी इस तरह से ग्रोथ हो रही है। जब हम मिट्टी बनाते हैं तो अच्छी तरह से वेल ड्रेन बनाते हैं, साथ ही साथ उसमें कंपोस्ट वगैरह मिलाते रहते हैं। अगर आपने मिट्टी में कंपोस्ट डाली हुई है, कार्डन कंपोस्ट डाली हुई, तो स्वाभाविक सी बात है कि उसमें घास वगैरह तो उगती ही रहेगी। तो इस तरह से पहले तो इनको घास को निकाल लेना है। जब ये चुटकियों से यानी उंगलियों से मिलने लगें तो इस तरह से घास को हटा देना है ताकि इनके जो बल्ब हैं वो बढ़ने में रुकावट ना हो और स्पेस मिले और उनके बल्ब बढ़ते रहें। साथ ही साथ अभी इन दिनों अप्रैल में अगर आप देखें तो धूप तेज़ होने लगी है और जो भी पॉट की मिट्टी है वो अच्छी तरह से सूख जा रही है। तो इन दिनों आप पहले तो अपने प्लांट को पानी बराबर देते रहें। पानी इस तरह से देना है कि मिट्टी में नमी बनी होनी चाहिए, साथ ही साथ नीट एंड क्लीन होना चाहिए जिससे कि प्लांट अच्छी तरह से ग्रोथ हो सके और आने वाले समय में अच्छी फ्लावरिंग कर सके। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मैंने पॉट को साफ़ सुथरा कर दिया है और इसमें से घास वगैरह निकाल दी है। समय से मैं पानी दे रही हूँ, रोज़ एक समय पानी देना है जिससे कि इसकी मिट्टी में नमी बनी होती है और अब इनके प्लांट अच्छी तरह से ग्रो हो रहे हैं। इस तरह से पतली पतली पत्तियाँ आती हैं और फिर उनमें स्टॉक निकलती है और उसमें फूल खिलते हैं। जब इसके फूल होंगे तो मैं आप लोगों से वो भी शेयर करूंगी। फ़िलहाल मैंने पुरानी वीडियो में कई बार आप लोगों से रजनीगंधा के फूल शेयर किए हुए हैं और बहुत अच्छी ग्रोथ हमारे गार्डन में होती रहती है। मैं इन्हें जब लगाती हूं तो अच्छी वेल ड्रेन मिट्टी में लगाती हूँ। जैसा कि मैंने अपनी और भी वीडियो में बताया है कि जब भी आप किसी फूल वाले बल्ब को लगाते हैं तो वेल ड्रेन मिट्टी होनी चाहिए, उसमें अच्छी तरह से रेत वगैरह मिली होनी चाहिए, कंपोस्ट वगैरह मिली होनी चाहिए जिससे कि उसमें अच्छी ग्रोथ होती रहे। क्योंकि उन बल्ब को हम बार बार छेड़ नहीं सकते हैं, उनको किसी भी तरह का कंपोस्ट वगैरह नहीं दे सकते, इसलिए से उन्हें उसी समय अच्छी खाद वगैरह दे देनी है जिससे कि इसकी ग्रोथ होती रहे। समय से पानी भी देते रहिए और इसी तरह से उनकी ग्रोथ होती रहेगी। अगर आप कुछ दिनों बाद इन्हें चाहें कि अच्छी ग्रोथ और भी अच्छी ग्रोथ हो तो इसमें कुछ दाने आप DAP के डाल सकते हैं, लेकिन बस वही है कि संभाल कर डालें कि इसमें पौधे के ऊपर यानी प्लांट के ऊपर नहीं पड़ना चाहिए, नहीं तो वो प्लांट ख़राब भी हो सकते हैं। अगर आपको प्लांट ख़राब नहीं करने हैं तो आप उस DAP के लिक्विड बना करके और फिर उसे आप लिक्विड फर्टिलाइज़र के रूप में अपने प्लांट में दे सकते हैं। जब भी आप इसमें किसी भी तरह का फर्टिलाइज़र देना चाहें तो आप अच्छी तरह से लिक्विड फर्टिलाइज़र ही दें जिससे कि प्लांट किसी भी शॉक में नहीं होगा और उसकी दिन ब दिन ग्रोथ भी होती रहेगी, समय से उसमें फूल भी आते रहेंगे। मैंने अभी इसमें कोई फर्टिलाइज़र नहीं दिया हुआ है, सेम मैंने जिस मिट्टी में इसे लगाया है उसी में ये लगे हुए हैं। कुछ दिनों बाद मैं इन्हें लिक्विड फर्टिलाइज़र दूंगी, लेकिन अभी मैंने इन्हें कुछ नहीं दिया हुआ है। अभी इनकी ग्रोथ हो रही है और ये इसी तरह से बने हुए हैं। तो ये मेरे अभी ग्रो हो रहे हैं, इसलिए से मुझे लगा कि ये वीडियो आप लोगों से शेयर करनी चाहिए। कुछ भाई बहन हमारे हैं जो गार्डनिंग करते हैं और उन्हें अभी उतना अनुभव नहीं है, वो नए हैं, इसलिए से उनके लिए ये सब वीडियो है। और इस तरह से रजनीगंधा के प्लांट होते हैं और जब स्टॉक निकलती है तो 2 फुट 2.5 फुट की स्टॉक निकलती है और फिर उसमें फ्लावरिंग चलती है।
काफ़ी सेंटेड, काफ़ी सुगंधित होते हैं। एक वीडियो मैं इस पर भी लेकर आने वाली हूँ, मेरे गार्डन में कौन से खुशबूदार फ्लावर प्लांट लगे हुए हैं। उस तरह से अगर आप भी अपने गार्डन में कुछ खुशबूदार प्लांट लगाना चाहते हैं तो बिल्कुल लगा सकते हैं, उससे गार्डन काफ़ी खुशबू से भरा होता है और वो जब फ्लावरिंग करते हैं तो देखने में सुंदर और खूबसूरत भी लगते हैं। तो यही सब है इस छोटी सी वीडियो में, और बस यही है कि अगर ये ग्रो कर रहे हैं तो इन्हें आप समय से पानी देते रहिए, घास वगैरह इसमें से हटाते रहिए, पॉट को नीट एंड क्लीन रखिए। साथ ही साथ इन्हें अगर लिक्विड फर्टिलाइज़र देना है तो आप किसी भी तरह का लिक्विड फर्टिलाइज़र ही दें तो बेस्ट होगा, और इन्हें अच्छी सनलाइट में रखें जिससे कि इनकी और भी दिन ब दिन ग्रोथ होती रहेगी। आगे मैं फिर इन प्लांट्स को आप सभी से शेयर करूँगी, क्या इनकी ग्रोथ हो रही है, कैसे ये चल रहे हैं, ये सब हमारी उस वीडियो में होगा। तो यही सब है हमारी इस छोटी सी वीडियो में, और फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।